हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं किसी प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ जो मेरे लिए, जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे लिए तो यूजफुल है ये, बाकी उन सभी के लिए जो प्रेग्नेंट है या ऐसे जिनको लेटने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये प्रेगनेंसी पिलो ऑर्डर किया था, ये देखिए ये पिलो है। तो मैंने इसका रिव्यू वगैरह देखा था, काफ़ी अच्छा था कि लेटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम लोग नॉर्मली वैसे जब प्रेग्नेंट होते हैं ना तो थोड़ा सा लेटने में प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे कि आप ये सब देख रहे होंगे, सारे पिलोज पड़े हुए हैं। मैं जब सोती हूँ, जब ये मतलब अभी नहीं था ना, तो मैं सोती थी तो 4,000 पिलो लगती थी, एक सर के नीचे, एक पेट के नीचे, एक बैक में, एक पैरों के बीच में, मतलब इतनी सारी पिलो लगती थी। तो सोचते थे यार कुछ ऐसा हो जिसमें मतलब कंफर्टेबली हम लोग लेट जाए ना, कि जैसे अगर एक साइड सपोज लेटे हुए, ठीक है, अब दूसरे साइड टर्न करना, सारे पिलोज उठा के अब उधर ले जाओ, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो नींद भी टूट जाती थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ऑर्डर करते हैं, देखते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च किया तो उसमें देखा हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया, सोचा लेट नहीं करते हैं। तो अभी मेरा 6 मंथ रनिंग है, तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है। अब इसको देखते हैं कि कितना कंफर्टेबल होगा लेटने में, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे होगा। और वैसे हाँ, ये कई सारे शेप में आता है, सी शेप में आता है, यू शेप में आता है, और सिंपल जैसे होता है बेड। तो चलो देरी ना करते हुए उसे ओपन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो मुझे भी हो रहा है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से अनबॉक्स करना होगा, नहीं तो ये कट जाएगा ना। ये रही मेरी पिलो, कलर बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, पिंक कलर, तो मैंने इसे ही मंगाया हुआ है। वैसे बहुत सारे इसमें कलर्स मिल जाएंगे आपको, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं जिसे परचेज करना है। बहुत टाइट है ये रही। देखो कैसी, अच्छा सी शेप टाइप में है थोड़ा सा, और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। वाओ कितनी प्यारी लग रही है ना, देखो इसके अंदर ये थैंक यू फॉर योर रिसेंट परचेज, ये वो सब यही सब लिखा हुआ है, पूरा कुछ नहीं बस ऐसे ही है। और हाँ अब इसकी बात करते हैं, एंड यू कैन सी द कलर ऑल्सो, इट्स सो प्रिटी, है ना। और हाँ सॉफ्ट में बहुत ज्यादा है, और इसका शेप ना मुझे लग रहा है ये ना तो सी लग रहा है ना तो यू शेप लग रहा है, क्योंकि यू होता है तो बस ऐसे ही होता है, ये पोर्शन नहीं होता है, तो जो भी है बट काफी अच्छा है ये शेप भी। और हाँ अब मैं सोच रही इन पिलोज का कोई जरूरत नहीं है, जो 4 पिलोज मैं लेके सोती थी इसको मैं हटा देती हूँ, ताकि अच्छे से मैं ये वाली पिलो को शो कर पाऊँ, क्योंकि काफी स्पेस तो यही ले रहा है ना। और हाँ इसके यहाँ पे इसकी जिप दी हुई है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए, तो इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज किया होगा, जैसे कॉटन है या जो भी है, तो इसके अंदर है। और ये इसका कवर है, जब आपको वॉश करना हो तो पूरा ऐसे निकाल सकते हैं, बस निकल जाएगा, एंड फिर से इसको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसको कवर कर सकते हैं। कि मटेरियल की बात करें तो मटेरियल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा लाइट वेट। मैं आपको हाथ में थोड़ा सा से दिखा देती हूँ दबा के, देखिए आप देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा सॉफ्ट है। और आप अगर बॉडी पे भी ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बैठ के भी दिखा देती हूँ। और हाँ हम लोग इस पिलो को किसी भी फॉर्म में टर्न कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऐसे टर्न कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि मतलब बहुत टाइट वाला मटेरियल है तो बिल्कुल मूव नहीं होगा इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप बैठ रहे हैं तो ऐसे बैठने में भी आप अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जैसे किसी को खाना खाने में प्रॉब्लम है, हाँ या बेबी हो जाएगा तो बेबी को भी आराम से ऐसे गोदी में ले सकते हैं और उसको फीडिंग करा सकते हैं, या खुद भी कुछ खाना है तो आराम से ऐसे खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें देखा था सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो काफी अच्छा है, मल्टीपर्पज है, सोने में तो काम आएगा ही, बाकी भी फर्दर भी यूज होता रहेगा। और हाँ मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ प्राइस तो वैसे वैरी करते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उस हिसाब से। और मैं थोड़ा सा लेट के भी दिखा देती हूँ, इधर गया। शायद आज मुझे नींद अच्छे से आने वाली है, क्योंकि रोज तो इतनी सारी पिलोज होती थी, बस उनको ही रात भर संभालते रहो, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, आज शायद ऐसा नहीं होगा। हो चलो अच्छा लेटते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। चलो दूर हटो,
जैसे कि ऐसे पैरों के बीच में ऐसे रख लेंगे और आराम से ऐसे लेट सकते हैं। काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, उठने का तो मन ही नहीं कर रहा है। और जैसे इधर आपको टर्न होना है तो भी आप ऐसे पैरों के बीच में रख सकते हैं और ऐसे सो सकते हैं बैक के पीछे आराम से। मतलब अब वो सब झंझट खत्म हो गया है पिलोज का, कि पिलो इधर ले जाना है उधर ले जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है वैसे तो। और हाँ, जब जैसे कि अभी तो जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद जैसे बेबी आ जाएगा तो छोटा बेबी होगा ना, तो उसको यहाँ पे उसकी टॉवल वगैरह डाल के आराम से उसको बीच में लिटा सकते हैं ऐसे, तो इधर उधर भागेगा नहीं। वैसे जब बड़ा हो जाएगा तब तो भागेगा ही, बट जैसे 2-3 मंथ का है तो थोड़ा सा रहता है ना डर, जैसे हम लोग कुछ काम करने लगे तो डर रहता है ना बेबी क्या कर रहा है, तो इसमें बीच में ऐसे लिटा सकते हैं। और उसको भी एक थोड़ा सा फील रहेगा ना कि मम्मा या पापा कोई पास में है ना, जैसे कि जब हम लोगों के पास ये पिलो नहीं होती तो बच्चे को सुलाते हैं, उसके साइड में पिलो लगा देते हैं ना कि ताकि बच्चे को थोड़ा टच रहे कि हाँ कोई है, तो ऐसे बच्चे को भी बाद में सुला सकते हैं उसमें, उसको भी लगेगा हाँ कोई है, जल्दी उठेगा नहीं और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और भी इसका यूज देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कि आपको सिर्फ बैठना ही है और बैक में कोई पिलो लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बैठ सकते हैं और आराम से ऐसे कर ले। तो कितना कंफर्टेबल लग रहा है बैठने में भी, और कुछ भी आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, फोन चला सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं आराम से। तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सॉफ्ट मटेरियल बहुत ज्यादा है इसका मटेरियल, जो भी इन्होंने यूज किया है, जो भी टाइप का कॉटन वगैरह यूज है। और स्टिचिंग की बात करें तो आप देख लीजिए खुद ही, स्टिचिंग भी कितनी अच्छी है। मैं जैसे खींच रही हूँ तो इसको ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है कि जैसे खराब स्टिचिंग है, खींचने से पूरा फटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल उसे अच्छा है, आप भी इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और कंफर्टेबल तो है ही है। और प्रेगनेंसी में चाहिए क्या, जितना ही आराम मिले कंफर्टेबल हो, हर चीज हम लोग यही चाहते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आते रहते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं कि बस आराम मिले थोड़ा, कम से कम रात में सोने का टाइम तो मिल जाए, तो सही है वैसे तो बहुत अच्छा। और दिन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको दिन में लेटना है या कुछ खाना पीना या पढ़ाई वढ़ाई करना जो भी करना है तो काफी अच्छा। टीवी देखना है या ऐसे ही, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हाँ इसको शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आपने देखा कि इसका मटेरियल ना काफी ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो आप इसको ऐसे रैप करके मतलब किसी भी फॉर्म में अच्छे से इजी टू कैरी है। आई होप कि मेरे अच्छे दिन आने वाले नहीं, अच्छे दिन आ गए हैं, तो इन सारे पिलोज का काम खत्म हो गया है और मैं अच्छे से सो पाऊंगी आराम से। शायद मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा डार्क कलर मंगवाना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट है ना तो गंदा हो जाएगा, फिर धुलने का भी प्रॉब्लम होता रहेगा। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है कलर, देखते हैं वो तो फिर दूसरा मंगवा लेंगे, उसमें क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या जो भी प्रेग्नेंट है या जो भी प्रेग्नेंट नहीं जिनको लेटने में प्रॉब्लम होती तो उनको शेयर कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।